शनिवार को नर्मदापुरम के सुहागपुर कोर्ट में हत्या के प्रयास और आगजनी के मामले में एक आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। घटना 2020 की है, जब एक युवक द्वारा अन्य युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। आइए जानते हैं मामले को विस्तार से शासकीय अधिवक्ता शंकरलाल मालवी जी से। आज दिनांक 23/9/2023 को माननीय द्वितीय पार्षद न्यायाधीश श्रीमान संतोष सैनी साहब की अदालत ने एक हत्या के प्रयास और आगजनी के मामले में सजा सुनाई है। और जो घटना का जो संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10/12/19 को फरियादी राजाराम गुर्जर अपनी मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल आया हुआ था और मोटरसाइकिल से वह अपने गांव पौड़ी के लिए जा रहा था। ये घटना गोपालपुर और उसके बीच की है, भोखेड़ी के बीच की है। शाम को करीबन 4 बजे वो अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से जा रहा था। आरोपी मनीष गुर्जर ये अपनी सफारी गाड़ी से आया, पीछे से राजा राम को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के कारण राजा राम मोटरसाइकिल सहित अपनी गाड़ी से नीचे गिर गया। फिर उसके बाद ये आरोपी मनीष गुर्जर निवासी भोखेड़ी के द्वारा अपनी टाटा सफारी को रिवर्स करके लेकर आया और राजा राम के ऊपर चढ़ा दी, जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी, जिससे राजा राम की कमर, पेट, पुट्ठे और पैरों पर गंभीर चोट आई थी। उसके बाद फिर वो राजा राम जो मनीष है, आरोपी मनीष ने उसकी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर में आग लगा दी और आग लगाकर वहाँ से भाग गया। उसके बाद फिर आहत राजा राम को उसके परिजन 100 डायल से लेकर सुहागपुर अस्पताल आए। वहाँ पर सुहागपुर अस्पताल में देहाती नालसी दर्ज कराई और देहाती नालसी दर्ज कराने के बाद सुहागपुर थाने में आरोपी मनीष गुर्जर के खिलाफ FIR दर्ज हुई और मामला न्यायालय सुहागपुर न्यायालय में पेश हुआ गया। अभियोजन की ओर से कुल 14 साक्षियों का परीक्षण कराया गया और परीक्षण कराने के उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी मनीष गुर्जर को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में दोषी पाते हुए 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 435 भादाबी में आगजनी के मामले में आरोपी मनीष को 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपी को सजा दिलाने के लिए उपजेल पिपरिया रवाना किया गया है।